हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का स्पेशल पराठा, जो कि बहुत टेस्टी होता है और इसको बनाना कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। मैंने बहुत इजी तरीके से बनाया है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया ये पनीर का स्पेशल पराठा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि सच में ये बहुत टेस्टी होता है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर का स्पेशल पराठा बनाना। स्पेशल पनीर पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वो आटा है जो हम रोज रोटी बनाने के लिए घर पे यूज़ करते हैं। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ऑर्गेनो सीजनिंग, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। इससे हमारा पनीर पराठा स्पेशल बनता है और इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। पनीर, यहाँ पे मैंने 1 पाव पनीर लिया है जिसको मैंने क्रम्बल कर लिया है। हरा धनिया जिसको मैंने बारीक काट लिया है, और 4 से 5 चम्मच घी। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल पनीर पराठा बनाना। सबसे पहले हम आटा लेंगे, उसमें मिलाएंगे हम थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ी हल्दी। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे आटे में, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद के तैयार कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए आटा गूंद के तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारा आटा गूंद के एकदम तैयार है। तो इसको अब साइड कर लेते हैं और अब तैयारी करते हैं रोटी बनाने की, पराठे बनाने की। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तवा गर्म करने रख दिया है। अब हम आटे में से 2 छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लेंगे और कुछ इस तरह गोल कर लेंगे। एक ये रही और एक ये रही। ये देखिए, मैंने आटे से 2 लोइयाँ निकाल ली छोटी छोटी, और इनको बिल्कुल गोल कर लिया। तो चलिए, जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसी तरह हम इनसे रोटियां बना लेते हैं। आटे में पहले हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, इसको साइड कर लेते हैं तब तक, और इसको बेल कर अच्छे से बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह। अब इसको कर लें साइड, और इसी तरह इसको भी ऐसे ही बना लें। ये लीजिए, हमने इसको भी अच्छे से गोल कर लिया है और बड़ा कर लिया है। यहाँ पे हमारी दोनों प्लेन रोटियां बनके तैयार है। अब इसको दोबारा से साइड कर लेंगे। अब हम एक रोटी यहाँ पे लेंगे जो हमने बड़ी की है, उसमें डालेंगे घी और अच्छे से फैला लेंगे। पूरे कॉर्नर में ना फैलाएं, वरना दूसरी रोटी इसके ऊपर अच्छे से चिपकेगी नहीं, यानी स्टिक नहीं हो पाएगी। कुछ इस तरह लगा लें, और थोड़ा सा घी बीच में ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि जब ये मेल्ट होगा तो ये अपने आप ही अच्छे से रोटी के अंदर फैल जाएगा। इसके अलावा हम लेंगे स्टफिंग में पनीर। पनीर को अच्छे से फैला के डाल दें। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी भरना चाहते हैं उतना पनीर इसमें अच्छे से लगा लें। ये लीजिए, मैंने अच्छे से पनीर लगा लिया है। याद रखें, पूरे कॉर्नर तक ना ले जाए पनीर को भी, वरना हमारी दूसरी रोटी इसके ऊपर अच्छे से स्टिक नहीं होगी। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, लाल मिर्च सॉरी, स्वाद के लिए, और नमक स्वाद अनुसार, ऑर्गेनो सीजनिंग। इससे सच में पराठे में बहुत टेस्टी टेस्ट आता है। इसको अच्छे से डाल दें, और इसके बाद हमारा हरा धनिया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा घी डाल देंगे। अब ये जो हमने तैयार किया है, इसके ऊपर हम अपनी ये दूसरी रोटी को इसके ऊपर रख देंगे, जैसे हम पराठों में करते हैं मोस्टली, उसी तरह हम इसको कवर कर लेंगे कुछ इस तरह, और इसको साइड साइड से अच्छे से प्रेस करके टाइट कर लेंगे, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना पाए। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, ये सच में बहुत टेस्टी होता है। जिसमें ऑर्गेनो डलता है उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है इस पे पनीर के साथ। इसको आप एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे, अगर आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये। तो चलिए, ये हमने अच्छे से स्टिक कर लिया है, हमारा तवा भी गर्म हो गया है। तवा ज़्यादा गर्म भी ना हो, वरना एकदम से रोटी चिपक सकती है इस पे। वैसे चिपकेगी नहीं क्योंकि नॉन स्टिक तवा है, बट स्टिल इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा घी।
इसमें डाल देंगे अपना पराठा। और इसी तरह हम तब तक अपना दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं जब तक ये सिकता है, नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको ऐसे रखेंगे। सेम पहले की तरह दो गोलियां आटे में अच्छे से कवर करेंगे, रोटी की तरह बेल के बड़ा कर लेंगे। ये देखिए दोनों ही रोटियां मैंने बेल के एकदम तैयार कर ली है। यहाँ पे हमारा पराठा भी हो गया है, शायद इसको पलट लेते हैं। ये देखिए काफी अच्छा हो गया है। और याद रखें कि गैस की हमें जो फ्लेम है वो लो रखनी है और लो फ्लेम में ही हमें पराठा पकाना है। इससे पराठा अंदर तक अच्छे से पक जाता है लो करने से और जलता भी नहीं है। अब हम इसमें लगा लेते हैं घी। और फ्रेंड्स प्लीज इसमें घी का ही इस्तेमाल करें, घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा था क्योंकि हमने इसके अंदर भी घी को ही भरा है इसलिए। अगर हम घी को ही लगाएंगे तो इससे घी का स्वाद ही डबल हो जाएगा क्योंकि अंदर स्टफिंग में भी घी है और बाहर भी। इसे पलट लें। घी लगा लें। और ऐसे इसको कमाच में अच्छे से पकाते रहें। अब हम इसमें लगा देंगे घी, जैसे हमने पहले में किया था उसी तरह से। और थोड़ा घी इसमें बीच में रख देंगे क्योंकि वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। फिर पनीर लेके अच्छे से लगा देंगे। याद रखें साइड साइड तक घी और पनीर दोनों ही नहीं जाना चाहिए वरना ये प्रॉपरली स्टिक नहीं होगा। लाल मिर्च, नमक, ऑरेगानो, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, और फिर दूसरा कवर इसके ऊपर से अच्छे से कवर करके इसको साइड से स्टिक कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे से हल्का हल्का मोड़ के भी स्टिक कर सकते हैं, इससे भी ये नहीं खुलता। लीजिए यहाँ पर पहला पराठा बनकर हमारा एकदम तैयार है। इसको साइड साइड से और बीच में भी अच्छे से प्रेस करिए, इससे नीचे का अच्छे से तवे पे लग के अच्छे से पक जाता है, कहीं से भी पराठा कच्चा नहीं रहता। और हमारा पराठा बनके एकदम तैयार है, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम अपना दूसरा पराठा भी बना लेंगे जो हमने तैयार करके रखा है। तवे में थोड़ा घी अच्छे से स्प्रेड कर लें और फिर पराठा। और इसी तरह हम अपने बाकी के पराठे भी बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अभी इसको गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही रहने दें और जब नीचे से थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने लगे तो हम इसको पलट लेंगे। अच्छे से घी लगाए, इसी तरह हम पराठा पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे अच्छे से। पलट लें और अब अच्छे से इसको पका लें और फिर हमारा पराठा ये भी बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। और याद रखें कि फ्लेम लो रखें, हाई फ्लेम में ना पकाएं वरना पराठा कच्चा रह जाएगा और अंदर तक अच्छे से नहीं हो पाएगा।
ये लीजिए, इसी तरह हमारा दूसरा पराठा भी बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे दोनों पनीर के पराठे बनकर एकदम तैयार है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए ये दोनों पनीर के स्पेशल पराठे पसंद आए हों तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।